हेलो दोस्तों, हम आपको फिर एक पौधा दिखाते हैं, तुलसी मरुआ। इसको मरुआ भी कहते हैं और भी नामों से जाना जाता है। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में जानी जाती है। जैसे आपके दांतों में पारिया लग जाता है, बदबू आती है, तो आप इसके पत्ते खाली पेट सुबह ही 8 दिन तक चबाइए, 3-4 पत्ते लेकर डेली करिए, तो आपका ये दांतों का रोग भी चला जाता है। पेट के और भी रोग होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं इससे। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आप चटनी में इनके पत्ते मिला के आप बच्चों को खिला सकते हो, आप चटनी को, तो उनके कीड़े मर जाते हैं। इस पौधे को लगाइए घर में, शुभ होता है, अच्छा होता है ये पौधा। इससे गर्मियों के दिनों में मच्छर हो जाते हैं, डेंगू वगैरह फैलता है। इसकी खुशबू इतनी होती है कि डेंगू भी नहीं होता इससे, इसलिए ये पौधा बहुत अच्छा होता है। आप इसको लगा सकते हो अपने घर में, और ये पौधा होना ही चाहिए गार्डन के अंदर। हमारे गार्डन में है, आप भी इसको लगाइए, अच्छा रहता है। देखिए इसके फूल दिखाते हैं हम आपको, ऐसे फूल आते हैं, फिर ये पत्तियाँ हो जाती हैं, इसके फूल ही पत्तियाँ बन जाती हैं, और ये बीज होते हैं इसके अंदर। देखो ये वाले बीज हैं, ये और भी पौधा, लेकिन इसकी कटिंग करो आप तो ये गोल आकार में हो जाएगा। हमने अभी इसकी कटिंग नहीं की है, हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये गोल आकार ले लेगा। पॉट में लगाएं आप तो ये छोटा हो जाता है, ये ज़मीन में लगा हुआ है इसलिए ये लंबा पौधा है, वरना इसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है, गोल आकार में हो जाती है इसकी कटिंग। आपको ये पौधा कैसा लगा? हर जगह ये मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी में ही माना जाता है, इसको भी तुलसी ही कहा जाता है, लेकिन नाम अलग है इसका। बस महक बहुत अच्छी है इसकी, इसकी खुशबू से डेंगू मच्छर भी नहीं आते हैं और कीड़े वगैरह भी नहीं फैलते हैं। आप इसको ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, और आयुर्वेदिक दवाई मानी जाती है जी, आप इसका सेवन कीजिए, आप फिर देखिए इसका लाभ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे व्यू बढ़ाइए, और बेल दबाना ना भूलना। आप देख लीजिए आप ध्यान से, और इस पौधे को